ये स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस रेजिडेंस एंड अथॉरिटी पैटर्नस विद इन द फैमिली इंस्टीट्यूशन जब हम फैमिली इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत से ऐसे अवामिल होते हैं जिनकी वजह से या जिनको मद्द नज़र रखते हुए हम फैमिली इंस्टीट्यूशन को ऑबज़र्व कर सकते हैं और इसके हवाले से देख सकते हैं कि उसके जो भी पैटर्नस हैं वो किस तरह उसके बाकी एस्पेक्ट्स के ऊपर असरानंदाज होते हैं मिसाल के तौर पे हम ये देखें कि जो रेजिडेंशियल पैटर्न्स हैं जैसे शादी के बाद जो है कौन किसके घर जाके बसेगा और आ, क्या ये रेजिडेंशियल पैटर्न्स जो हैं ये रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ के अंदर मुजनस हैं या इनके अंदर कोई वेरिएशन मौजूद है इसी तरह से जो अथॉरिटी पैटर्नस होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं ये डिफ़ाइन करने में कि डिसीजन मेकिंग पावर uh, किसके पास होगी और उस डिसीजन मेकिंग की वजह से जो ओवरऑल फैमिली स्ट्रक्चर है उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं जो फैमिली के बाकी मेंबर्स हैं वो इस अथॉरिटी पैटर्न को किस तरह से देखते हैं तो चूँकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर प्रीडोमिनेंटली पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है और इसमें फादर इज़ कंसिडर्ड हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड तो ऑब्वियसली जो अथॉरिटी पैटर्नस हैं उनमें जो आ, फ़ादर का रोल है वो डोमिनेंट होता है इसी तरह से जब हम रेजिडेंशियल पैटर्न्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान में ये जो रेजिडेंशियल पैटर्न्स हैं आ, जो शादी के बाद ख़ास तौर पे जो लड़की होती है उसको लड़के के घर जाना होता है ना कि लड़का जो है वो लड़की के घर आता है तो इसमें यानी आ, इन ऑपोज़िशन अगर कोई ऐसा केस सामने आता भी है तो सोसाइटी उसको स्टिगमेटाइज़ करती है उसको घर दमाद का नाम देती है विच इज़ कंसिडर्ड आ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन फॉर दैट पर्सन तो एक तो ये है कि रेजिडेंशियल पैटर्नस में भी जो है वो औरत को या लड़की को मूव करना होता है अपने घर से अपने आ, स्पाउस के घर और जब हम अथॉरिटी पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें भी ये चूँकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो बाप या हसबेंड जो होता है हु इज़ कंसिडर्ड दैड ऑफ़ द हाउस होल्ड Uh, these patterns, however, uh, are changing, particularly in urban areas and among more educated and affluent families with more egalitarian and uh, egalitarian family structures, where we see that uh, the norms are of modern modernity are being shared. To choke uh, modernization ka through media, a effect being shared. इसीलिए हम ये देखते हैं कि आज ये अथॉरिटी पैटर्न्स जो हैं बाय द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहे हैं ख़ास तौर पे वहाँ पे जहाँ पे दोनों मियाँ बीबी जो हैं वो प्रोफेशनल होते हैं दे बोथ आर वर्किंग तो जो अथॉरिटी पैटर्न्स हैं या डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स हैं उनके अंदर रैलीटिव uh, इक्वालिटी जो है वो एक्सपेक्ट की जाती है लेकिन इसके क्या असरात मुरतब होते हैं किस तरह से ये जो रिलेटिव बैलेंस ऑफ पावर है ये ओवरऑल फैमिली यूनिट को जो है वो किस तरह से अफेक्ट करता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए फूड फॉर थॉट भी है कि आप देखें कि कैसे मॉडर्न आइडियोलॉजीज़ uh, जो हैं वो हमारे अथॉरिटी पैटर्न्स को और रेजिडेंशियल पैटर्न्स को जो है वो अफेक्ट uh, कर रहे हैं उनके ऊपर असर डाल रहे हैं और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो रेजिडेंशियल पैटर्न्स हैं ख़ासतौर तौर तो पर अर्बन एरियाज़ के अंदर क्या वो चेंज हो रहे हैं उनके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली आ रही है लड़की जो है क्या वही सिर्फ अपने हस्बैंड के घर जाती है या जो मा, 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 मैट्री लोकेलेटी और पैट्री लोकेलिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी कोई तब्दीली जो है अर्बन एरियाज़ के अंदर रूनम हो रही है सो रेजिडेंशियल पैटर्न्स आल्सो वेरी अक्रॉस डिफरेंट रीजनज एंड एथनिक ग्रुप्स विद पैट्री लोकल रेजिडेंस जिसके अंदर लिविंग विद द हस्बैंड फैमिली

तो ये जो अथॉरिटी पैटर्नस हैं आ, और ख़ास तौर पर रेजिडेंशल पैटर्नस हैं पाकिस्तान के अंदर किस तरह से एक्ट करते हैं इट्स अ फूड फॉर थाट फॉर यू आप इनको देखें ऑब्ज़र्व करें और इसके हवाले से ख़ास पर जो हमारी लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इनोवेशनस हैं उनका हमारे इन फैमिली पैटर्नस के ऊपर और अथॉरिटी पैटर्न के ऊपर क्या असरात मुरतब हुए हैं इसके हवाले से अप, अपनी ऑब्जर्वेशनस को रिकॉर्ड करें